कल हमारा टॉपिक चल रहा था कंसंट्रेशन ऑफ वर्क, उसके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया था कि इट इज कॉल्ड एज वैनिफिकेशन या ओवर ड्रेसिंग, ये सब हमने नाम दिए थे। उसके अलग अलग प्रोसेसेस थे, फर्स्ट था हैंड पिकिंग, सेकंड था ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में भी दो पार्ट मैंने आपको लिखवाए थे, विल्फ्ले और हाइड्रोलिक। उसके बाद में थर्ड टॉपिक हम लोगों ने लिया था मैग्नेटिक सेपरेशन, ये आयरन मैग्नीज इन चीजों के लिए जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनके लिए ज्यादा बेटर होता है। फोर्थ हम लोगों ने लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट्रेशन, वहां पर हम उन चीजों को उन ओर्स को लेना प्रिफर करेंगे जो जल्दी से चार्ज हो जाती है, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, मैंने आपको समझा दिया था फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, आज हमारा लिखना बाकी है तो स्टार्ट करिए। हेडिंग इज फ्रॉथ फ्लोटेशन, कुछ लिखा था कल? हाँ, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड ओर, ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू करिए। ओर पार्टिकल्स आर प्रिफरेबली वेटेड बाय ऑयल बाय गैंग बाय वॉटर। शायद ये मैंने लिखवा दिया था कि इट इज मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, ये पार्ट आपका हो गया था, ठीक है। अब मेथड वेथड तो मैंने पूरा बता दिया था, हमें नाम नाम से मतलब है। पहला नाम हम लोग जो लिखेंगे, ए पॉइंट करके डाल लो, कलेक्टर्स। कलेक्टर्स आर पाइन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, फैटी एसिड, एटसेट्रा, विच इंक्रीजेस द नॉन वेटेबिलिटी, WETTA PILITY, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर। पता चलेगा क्या कर रहे हैं हम लोग। अपन लोगों ने कल एक ऐसा पूरा बीकर जैसा लिया था, उसके अंदर अपन लोगों ने यहाँ पर सब चीजें डाल दी थी। यहाँ पर हमारे पास में क्या था, एजिटेटर या नीचे फैन फैन लगा रखा था, गोल गोल घुमा रहे थे अपन, याद आएगा ना। तो जब अपन यहाँ डालेंगे तो सबसे पहली चीज हम लोग जो एड कर रहे हैं डेट इज कलेक्टर। कलेक्टर जो है वो सारे के सारे ऑयल या फैटी एसिड ऐसी चीजें हैं, डेफिनेटली ये और के पास जाएंगे, उसके ऊपर कवरिंग बना देंगे। इट इंक्रीजेस द नॉन वेटेबिलिटी, इसका मतलब कि जो और के पार्टिकल्स हैं वो पानी से गीले ना हो, इसलिए उनके ऊपर क्या किया जाता है, ऑयल की एक कवरिंग उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है। इट इंक्रीजेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द और पार्टिकल्स। अब बी पॉइंट लिखिए, B point is stabilizer, stabilizer is aniline, 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 and cresol, CRESOL। स्टेबलाइजर कौन थे, विच स्टेबलाइजेस द फ्रॉथ, जो भी झाग है उन्हें टूटने से रोकने का काम करते हैं। तो आपको लिखना है तो आप लोग लिखिए, दे हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द फ्रॉथ।
ठीक, नेक्स्ट क्या बताया था? और डिप्रेसेंट, बढ़िया, वेरी गुड। सी नंबर पे डिप्रेसेंट, इसमें डैश करके लिखिए, दीज आर द सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट which prevent certain type of particles from forming the froth. For example, actually ये depressant अलग अलग होते हैं, इसलिए अपन particular एक example लेके answer दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम साइनाइड NaCN रिएक्ट्स विथ ZnS टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। बोर्ड पे लिखा है Na2ZnCN4 and prevents the formation of froth. In the separation of ZnS and PbS. कल बताया था कि PbS को हम चाहते हैं कि ऊपर froth के फॉर्म में आ जाए और ZnS को हमें नीचे की तरफ ही रोकना है। तो PBS जो है वो प्रोथ बन के ऊपर आ जाएगा और ZNS को रोकने का काम कौन कर रहा है? डिप्रेसेंट, दैट इज NaCN, वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स जिंक का कॉम्प्लेक्स है और वो प्रोथ को बनने नहीं देगा। तो ऊपर सिर्फ PBS का प्रोथ बनेगा, ZNS का नहीं। इस तरह से दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि हम एजिटेटर से इसको घुमाएंगे, फ्रॉथ बनेगा, स्टेबलाइजर उस फ्रॉथ को बनाकर रखेगा, फिर फ्रॉथ को हम दूसरे बीकर में निकालेंगे, बीकर में निकालने के बाद हम उस फ्रॉथ को ब्रेक डाउन करेंगे। तो अब आप वही पॉइंट लिख रहे हैं कि द फ्रॉथ इज ब्रोकन by adding some acid comma after this the ore particles are separated The ore particles are separated by filtration and are dried. उसको हम सुखा लेके अलग कर लिया हमने, फिल्टर कर लिया और ड्राई कर लिया। ठीक, ये पूरा आपका कंप्लीट होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब नंबर कौन सा चल रहा है? फिफ्थ, सिक्स। अब फिफ्थ लिखना है। ओके, चलिए फिफ्थ लिखना है, वही फिफ्थ खत्म हुआ। इट इज सिक्स। सिक्स्थ नंबर पे आप लोग लेंगे लीचिंग। सिक्स्थ इज लीचिंग, LESCHING। लिखिए, इट इज अ केमिकल मेथड and is useful in the case when ore is
when or is soluble in a suitable solvent. When or is soluble in suitable solvent, while the impurities are insoluble. While the impurities are insoluble. हमने लिखा इट इज अ केमिकल प्रोसेस. डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी. केमिकल रिएक्शन अपन लोग यहाँ पर लिख रहे हैं. समझा रहे हो? फिर उसके बाद में लिखने का काम खत्म करेंगे. हमारे रिएक्शन है लीचिंग. इसके अंदर हमें एक सॉल्वेंट चाहिए. वो सॉल्वेंट किसे डिसॉल्व करने वाला है, किसके लिए है? और के लिए वो एक सूटेबल सॉल्वेंट है. इंप्यूरिटीज इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी और इंप्यूरिटीज को हम वहीं पर छोड़ देंगे और अपना जो डिसॉल्व वाला पार्ट है उसको हम आगे लेकर चलेंगे. क्या करा अपन ने? तो अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम की ओर का. इट इज Al2O3.2H2O. इसको हमने बैलेंस नहीं कर रखा है अभी. इसमें हमने NaOH डाला और थोड़ा सा और पानी डाल दिया. NaOH के अंदर ये पार्ट क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. इट इज सॉल्यूबल और इसने कॉम्प्लेक्स बनाया विच इज सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज NaAlOH फुल फॉर्म. Na का वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, एल्यूमिनियम का प्लस थ्री, टोटल हो गया प्लस फोर और OH का होता है माइनस वन. तो फोर वन जा फोर, तो ये दोनों मिला के प्लस फोर, ये वाला मिला के माइनस फोर. तो ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं पड़ा कि ये फोर कहाँ से आ गया, हम क्या करें, ऐसा नहीं. समझ में आएगा. अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इस कॉम्प्लेक्स को हमने आगे लिया और इसकी रिएक्ट करवाया विद कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे हमने रिएक्ट करवाया Na जो है वो CO2 के साथ निकल गया NaHCO3. यहाँ पर बचा Al2O3.XH2O. कई जने यहाँ पर सोचते क्या है मालूम, मैम ये भी तो यही था और ये भी यही है, फिर आपने चेंज क्या करवाया? नहीं, चेंज जो हुआ वो है कि ये विद इम्प्योरिटीज था. हमने इम्प्योरिटीज के बारे में थोड़ी लिखा, ये क्या है? ओर है. हमारा काम क्या चल रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाए और इम्प्योरिटीज को हटाते जाए. तो ये वाला विथ इम्प्योरिटी है. जब हमने NaOH डाला तो ये पार्ट NaOH के अंदर डिसॉल्व होके आगे बढ़ गया और इम्प्योरिटीज जो है वो वहीं पर पीछे रह गई. तो ऐसा नहीं सोचना कि ये और ये बोले सेम टू सेम, तो आपने लिख दिया, खाली x लिख कर चेंज कर दिया. x इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर बढ़ गए. एग्जैक्टली टू का टू नहीं रह गया, नंबर्स जो है वो चेंज हो गए हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर लिख दिया XH2O. ठीक, अब Na वाला पार्ट हमने बाहर निकल दिया. इट इज NaHCO3. देखो प्रोसेस चल रहा है हमारा मेटलर्जी. ये काम इंडस्ट्री में होता है, अपने घर में नहीं कर रहे पर, है ना? और इंडस्ट्री वाले कोई भी काम अपने बेनिफिट के लिए करेंगे. अपन ने लिखा भी है प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली, कम पैसा ज्यादा प्रॉफिट. अब ये NaHCO3 है, है ना? इसमें पानी डालो, क्या बना देगा ये? NaOH, H2O और CO2. क्या क्या काम में आ रहा है हमारे? NaOH, H2O और CO. वहीं के वहीं घुमा दिया जाएगा. थोड़ा सा काम किया, ऐसा नहीं बार 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 यूज होता जा रहा है और फिर नया लाओ फिर नया लाओ, खर्चा कम करना है. तो सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब ही यही होता है
कि जो हमें फायदा भी दे, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज ले ली, डिसॉल्व कर लिया और आगे बढ़ा गए। अपने को खर्चा भी कम चाहिए और इजी गोइंग भी होना चाहिए, इतना रिएक्टिव होना चाहिए कि वो जल्दी से रिएक्ट भी कर ले, थोड़े टेम्परेचर पर वो ब्रेक डाउन भी हो जाए, वापिस रीयूजेबल फॉर्म में भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बन गया Al2O3.XH2O और बाहर निकला NaHCO3। मैंने समझाया, आप उसे वापिस यूज कर सकते हैं। अब ये वाले पार्ट को अपन ने लिया, हीट किया अप टू 1470 केल्विन। जब हम हीट करेंगे तो ये बना देगा Al2O3 अलग और वाटर वापिस से बाहर निकल गया। वापिस काम में ले लो पानी, बनाई जोड़िए, स्टीम है, वापिस चेंज कर दो। कोई बोले मैम हाई टेम्परेचर है, स्टीम है, कंडेंस कर लो, इट विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल। ये तो आप पर डिपेंड करता है आपकी फैक्ट्री कितनी अच्छी है। तो लीचिंग, लीचिंग का मतलब ओर शुड बी डिसॉल्वड इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, इंप्यूरिटीज शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। इसको हम लोग यूज करेंगे एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए। गोल्ड और सिल्वर वाली रिएक्शन अभी लिखवाते हो, पहले एल्यूमिनियम का कंप्लीट कर लीजिए। ये जो अपन ने पूरा एल्यूमिनियम वाला लिखा उसके लिए लास्ट में लिखी है द अबव प्रोसेस इज कॉल्ड एज बेयर्स प्रोसेस। एल्यूमिनियम वाला जो अपन ने पूरा लिखा उसके लिए नाम लिखेंगे द अबव प्रोसेस इज कॉल्ड एज बेयर्स प्रोसेस। अब अपन लोग सिल्वर के लिए लेने जा रहे हैं। आपको खुद को पता चलेगा कि यहाँ पे ये हमारे पास ओर है, इसके अंदर हमने एक सूटेबल सॉल्वेंट डाला। सूटेबल सॉल्वेंट डाल के हमें यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मिला Na, उसके बाद में यहाँ लिखेंगे Ag, उसके बाद Cn, कितना करूं हाँ Na का 1 और Ag का भी 1, AgCl, AgBr, मतलब Ag का भी 1 होता है, तो 1 plus 1 is 2, तो Cn के नीचे क्या लिखोगे गोल्ड वॉइड्स। अपने मैप समझ में आ चुका, सल्फर वाला पार्ट जो है वो आपका अलग से निकल जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग आगे लेंगे Na, Ag, Cn गोल्ड वाइज, इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं विद जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। क्या होगा, सिल्वर को वो यहां से बाहर निकल देगा, ये सिल्वर हमारा अलग हो गया और जिंक जो है वो उसकी जगह जाके ऑक्यूपाई कर लेगा। जगह ऑक्यूपाई करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा Na2, उसके बाद Zn और यहाँ पर आएगा Cn4, बेटा 2 और 2 4। तो यहाँ पर हमारा सिल्वर जो है वो बाहर निकल गया। सेम टू सेम हम लोग गोल्ड के लिए लेते हैं। गोल्ड के लिए भी हम लोग यहाँ पे अपन ने Ag2S लिया, जितना कम रिएक्टिव होगा वो उतने अपने कौन से फॉर्मेट में मिलेगा, नेटिव स्टेट में मिलेगा। बताया था आपको पहले दिन हमने जब स्टार्ट किया था, तो गोल्ड तो गोल्ड ही है, Au है, बाकी सारे इंप्यूरिटीज उसके पास प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ना ऑक्सीजन है, ना कोई हमें सल्फर मिल रहा है, ऐसी कोई चीज हमें नहीं मिल रही, बिकॉज इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लीज दिमाग में ये नहीं लाना कि ये गोल्ड है और हम गोल्ड ही वापिस बना रहे हैं। ये गोल्ड विद इम्प्यूरिटीज है, उन इम्प्यूरिटीज को अलग हटाने के लिए हमने एक पार्ट इसके अंदर डाला, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस डाला जिसके अंदर गोल्ड जो है वो सॉल्यूबल है एंड इम्प्यूरिटीज आर इनसॉल्यूबल। अब हमें वो कॉम्प्लेक्स मिलेगा, बोलो आप लोगों को समझ में आएगा के, अरे देखो ना ऐसा अपन ने लिखा Na की जगह के आ गया, Ag की जगह बाकी Cn गोल्ड क्वार्ट्ज, सेम टू सेम। बस ये है कि ये Ag2S था, सिल्वर के साथ सल्फर है, गोल्ड जो है वो ऑलरेडी हमने अकेला लिखा है। अब यहाँ पे के Au Cn गोल्ड वाइज, गोल्ड को हटाने के लिए भी क्या डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा K2 Zn Cn प्लस, हाँ मेन हमारा Au तो रह गया, ये हमारे पास आ गया प्लस Au।
इस मेथड का नाम भी अपन लिखेंगे, पहले इतना लिख लो। गोल्ड और सिल्वर के लिए मेथड का नाम है मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस।